चलिए भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले, मेगा स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के नाम एक और लकीर हो गया। भोजपुरी के सुपर डुपर सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू के अपार सफलता के बाद रउवेला राजा हम तक खटिया बिछौनी सॉन्ग फिर से एक बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड करने का कारण अफ्रीका के तंजानिया के कंटेंट क्रिएटर ने इस गाने पर रील्स बना दिए। और यह गाना किसी और का नहीं बल्कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का है। और जब पवन सिंह के गाने पे विदेश के आदमी, विदेश के कंटेंट क्रिएटर रील्स बनाएंगे तो चर्चा का विषय तो बनेगा ही, क्योंकि पवन सिंह हमेशा से कहते आए हैं कि झमकौला से होई। तो झमकौला का सही मतलब यही है भाई साहब कि एक पवन सिंह इकलौते ऐसे सिंगर है जिनका भोजपुरी भाषा बिहार में चलता है, यूपी उत्तर प्रदेश में चलता है, लेकिन भोजपुरी भाषा में इस गाना होते हुए भी विदेशों में भी धूम मचा रहा है। इस वीडियो को देखिए और आप बताइए। इस वीडियो में आपने देखा कि तंजानिया के कंटेंट क्रिएटर, अफ्रीका के तंजानिया के कंटेंट क्रिएटर ने किस तरह से इस गाने को लिपसिंग करके सही सही मतलब में इस गाने को संबोधित करके एक बार तंजानिया के इस कंटेंट क्रिएटर ने फिर से सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। और पवन सिंह का जो लकीर वाला शब्द है फिर से कायम रह गया। 2023 के शुरुआती में ही पवन सिंह का जलवा बरकरार रहा और पवन सिंह के दर्शकों के लिए, पवन सिंह के फैंस के लिए यह खबर बहुत ही सुखमय है और खुशी का खबर है कि पवन सिंह हमेशा से कहते हैं कि झमकौला से हुई तो मेरा खींचा हुआ लकीर, तो पवन सिंह का खींचा हुआ लकीर फिर से कायम रहा। लॉलीपॉप लागेलू की अपार सफलता के बाद तंजानिया के कंटेंट क्रिएटर ने रउवेला राजा हम तक खटिया बिछौनी सॉन्ग पे रील्स बनाकर रातों रात चर्चा में आ गए। तो क्या कहते हैं भोजपुरी के पावर स्टार के बारे में, भोजपुरी के मेगा स्टार के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखेगा तंजानिया के इस कंटेंट क्रिएटर के बारे में, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो? वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।